Abolit. Nothing is going in record. Napoli? Yes. Honorable Minister? Madam, a statement is laid on the table of the House. शून्य प्रहर में उठा लेंगे बैठिए मैडम जो प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है री रजिस्ट्रेशन के बारे में इसमें से कई स्टेट ने पंजाब दिल्ली ओडिशा जैसे स्टेट ने अपनी यहाँ ये प्रोविज़न की है तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि ऐसे क्वेक डॉक्टर को बेरोटोक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए जो जो स्टेट में ये व्यवस्था बाकी हो करने हेतु उन्होंने कोई योजना बनाई है क्या मंत्री महोदय सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि 3 साल में ये प्रश्न पहली दफ़ा आया और इस प्रश्न के पूछते हमको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और जो गलतियां 1956 से होती आ रही हैं इस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए वो कमियां मैं कहूंगा वो कमियां सामने उभर के आईं और आने वाले वक्त में उन कमियों को दूर करने के लिए भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हमने बैठ के किस तरह से उन कमियों को दूर करने का कैसे किया जाए उसका निर्णय लिया क्योंकि इसके द्वारा अभी तक जो भी मेडिकल काउंसिल की लिस्ट ये असली स्टेट राज्य काउंसिल जो होते हैं वो देते हैं मेडिकल काउंसिल को और मेडिकल काउंसिल उसको अपडेट करके सदन में रखता है लेकिन सामने ये आया कि एक एक डॉक्टर 3-3 राज्यों में अपने आप को रजिस्टर करता और कभी दिल्ली भी रजिस्टर करता तो जब हम पूरा नंबर कहते हैं तो वो 8 लाख कुछ होता है जो कि जो आपके उत्तर में हमने दे दिया लेकिन वास्तवता यह है कि उसमें बहुत सारे डॉक्टर एक स्टेट में काम करते हैं वहाँ भी रजिस्टर किया फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करने गए वहाँ भी रजिस्टर किया तीसरे स्टेट में गए वहाँ भी रजिस्टर किया और हर रजिस्टर करके यहाँ आता है उसको कंपाइल करते हैं तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये 3 साल में पहली दफ़ा क्वेश्चन आया तो हमको इसमें 1956 से लेकर आज तक जो कमियाँ थी उन कमियों को सुधारने का आइंदा मौका मिलेगा और मुझे लगता है कि 1-2 साल के बाद जो हमारा असली रजिस्ट्रेशन नेशनल लेवल पे आएगा तो वो जो डॉक्टर कितने हमारे देश में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर उनके बारे में जानकारी होगी जहाँ तक इनने क्विक का सवाल किया ये हकीकत है कि हमारे 2 सिस्टम ऑफ मेडिसन हैं एक तो एलोपैथिक और दूसरा आयुर्वेदा तो दोनों में दोनों के एक्ट में जो रिकग्नाइज डिग्री नहीं होगी चाहे वो MBBS की हो या जो हमारे दूसरा एलोपैथिक सिस्टम है वो जो रिकग्नाइज डिग्री नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और उसमें सज़ा भी है 1 साल की सज़ा भी है और उसमें फाइन भी है दूसरा प्रश्न पूछिए जैसे मंत्री ने बताया कि मंत्री श्री ने बताया कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिस ना करते हो लेकिन कई बार अपने नाम पर अस्पताल खोल के बाहर से डॉक्टर्स को बुलाकर खुद प्रैक्टिस ना करते हुए भी इसी प्रोफेशन में कार्यरत है ऐसे डॉक्टर्स की संख्या कितनी है और कृपया ये बताने की करें कि MCI के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र हर एक डॉक्टर्स के क्लिनिक या अस्पताल में लोगों को दिखाई दे इस प्रकार से डिस्प्ले दिखा दे ऐसा निर्देश MCI ने दिया है क्या और जो भी MCI द्वारा पकड़े गए डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है मैडम 2 अलग-अलग चीज़ें माननीय सदस्य ने पूछी और एक का उत्तर तो इसी में जैसे मैंने पहले में कहा कि कुछ कमियां थी उनको कमियों को दूर करने के लिए जो निर्णय लिया गया है मेडिकल काउंसिल के साथ आने वाले वक्त के लिए मेंटेनेंस ऑफ ए लाइव रजिस्टर एक लाइव रजिस्टर होगा अगर एक आदमी रजिस्टर्ड है तो वो 4 जगह रजिस्टर नहीं दिखाया जाएगा MCI का जो नेशनल रजिस्टर्ड है उसमें एक ही दफ़ा दिखाया जाएगा टू अवॉइड डबल और मोर एंट्री ऑफ ए प्रैक्टिशनर इन मोर देन 1 रजिस्टर आइडेंटिफाई द एक्टिव मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अभी तक कोई
ये आइडेंटिफाई नहीं है कि उसने MBBS किया और रजिस्टर हो गया, उसके बाद वो है भी कि नहीं, ये भी नहीं, अभी को उसको डिलीट करने का कोई प्रोविजन नहीं है। और इसी तरह से वो कितने प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ दी है, ये भी प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए आने वाले वक्त के लिए, जैसे मैंने इसलिए बधाई दी कि हम उनमें जो जो कमियां हैं, क्या अभी एक्टिव मेडिकल प्रैक्टिशनर कितने हैं, और ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड डिलीट द नेम्स ऑफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव प्रैक्टिस एंड ऑल्सो सेटल्ड अब्रॉड, वो भी अभी तक उसमें नहीं है। और दूसरा, आपने बताया कि किस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं और क्या कोई सूची उसमें लगाई जाएगी। मैडम, वो दूसरे एक्ट के अंदर आएंगे। अगर आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमने एक इस दोनों सदनों में एक बिल पास किया है, एक रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, आपने पूछ लिया और कई सारे प्रश्न पूछे हैं। तो उसके अंदर अभी वो बड़ी एडवांस स्टेज में है। इनिशियली वो यूटी में और जिन स्टेटों ने लिख के दिया था कि हमारे यहाँ एक्ट बनना चाहिए, और कई राज्यों को हमने लिखा है कि वो भी इसको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एक्ट वो लागू होगा, और कई स्टेटों ने हमारे रिक्वेस्ट पे अपने विधानसभाओं में उसको पास किया। और मुझे पूरी आशा, और इस साल से उसको नोटिफाई किया है, लेकिन सीधे नोटिफाई करने से नहीं होगा, उसके लिए जो चीज़ें बनी हैं, एक नेशनल काउंसिल होगी, एक स्टेट काउंसिल होगी, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, उसके अनुसार पूरे देश के जितने भी हॉस्पिटल, एक कमरे हॉस्पिटल से लेकर एक डॉक्टर से लेकर, जो चाहे एम्स हो या वेदांता हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो पूरे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उनकी कैटेगरीज बन जाएंगी, और उन कैटेगरीज के अनुसार उस हॉस्पिटल में क्या क्या क्षमता किस चीज़ की है, कहाँ किडनी का ऑपरेशन हो सकता है, कहाँ हार्ट का ऑपरेशन हो सकता है, कहाँ दोनों हो सकते हैं, वो कैटेगराइज किए जाएंगे। और उसके साथ साथ ही एक किस लेवल में एक रेंज फिक्स की जाएगी। ऐसा नहीं कि एक हार्ट के लिए एक हॉस्पिटल 1 लाख लेता है और दूसरा 10 लाख लेता है, एक किडनी के लिए ऑपरेशन के लिए 2 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है। उसमें एक रेंज फिक्स की जाएगी कि इस रेंज के अंदर उनको हर चीज़ के लिए पैसे लिए जाएंगे, और वो सूची उस हॉस्पिटल में लगी होगी, और जो उसके अनुसार नहीं चलेगा उसके लिए भी अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है जो उस पर एक्शन लेगी। शिपीएल पुनिया।